What's up? और एक बार व्यू देखो यार चारों तरफ, इसी का पैसा है यहाँ पे जो है। कैसे हो धनंजय भाई? एकदम बढ़िया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ईगल आर्म। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आज की वीडियो में रिवील करने वाला हूँ वो है ये। तो भाई लग चुका है इसमें अपना एरोफुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट। ये टाइटेनियम एग्जॉस्ट है ओरिजिनल एरो का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता ही क्या है, ये बहुत अच्छी साउंड करता है। प्लस दिस इज़ ए लीगल एग्जॉस्ट। जो पुराना था वो भी लीगल था, बट उसका हमारे पास बिल नहीं था। इसका हमारे पास बिल है, इसलिए हमने नया लेना पड़ा। और आवाज़ तो इसकी भी अमेजिंग है यार। अभी इसका कोल्ड स्टार्ट सुनाता हूँ सबसे पहले, और बताता हूँ आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सो जय श्री राम। हाय हाय भाई साहब, इसका कोल्ड स्टार्ट सुन रहे हो तुम लोग? ऊपर से दो तीन दिन बाद, तीन चार दिन बाद स्टार्ट हुई है तो और ज़्यादा लाउड लग रही है। बाकी यार आज आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कॉलेज रिएक्शन, क्योंकि आज है होली का नेक्स्ट डे और आज हमारा कॉलेज है। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है आज, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं थी, तो आज हम इसे लेके जा रहे हैं कॉलेज। और आई होप आप लोगों को आज कॉलेज रिएक्शन में बहुत मज़ा आएगा। और आज मैं पहले ही बोल देता हूँ, वरना लास्ट तक तुम लोग रुकते नहीं हो। वीडियो को देखो, लाइक कर देना, क्योंकि आपको जो एक लाइक और सब्सक्राइब होता है ना, इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो यहीं से लाइक ठोक देना। बाकी एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी छोड़ने नहीं वाला है तुम्हारा भाई। बाकी एक काम करते हैं यार, इतने इसका कोल स्टार्ट होता है, हम लोग फटाफट चलते हैं, सिद्धि को पिक करते हैं। और पापा भी यहीं पे खड़े हैं, पापा को बाय बाय बोल देते हैं। बाय 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 नहीं, पहले तुम हाय बोलो। चलो चलते हैं। पापा नमस्ते जी। चलो भाई हम मिलते हैं तुम लोगों को सीधा रास्ते में। सो भाई ये रही हमारी वीडियो की क्यूट गर्ल। और ये क्या क्या लेके आई है तू, मिल ले। अरे वाह, चल अभी कॉलेज में खाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बैग में डाल लेंगे। टेढ़ा मतलब ये टेढ़ा होगा तो स्पिल हो जाएगा क्या? अगर टेढ़ा होगा तो स्पिल हो जाएगा, इसको रख के आना पड़ेगा शायद। रुक पहले गाड़ी बंद करता हूँ। चलो भाई हम लोग इसका अरेंजमेंट कुछ करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं हम सीधे रास्ते में। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी नहीं नहीं यार, ये डायलॉग मैं क्यों बोल देता हूँ, अपना वाला बोलते हैं ना। सो बॉयज और प्यारी प्यारी गर्ल्स, हम लोग निकल चुके हैं अभी घर से, और सामने की तरफ मुझे भीड़ दिखाई दे रही थी तो मैंने सोचा कैमरा ऑन कर लेते हैं यार, क्या पता कुछ रिएक्शन मिल जाए तगड़े तगड़े। ये देखो। बाकी बताना तुम लोगों को नए एरो एग्जॉस्ट की आवाज़ कैसी लग रही है। भाई साहब तगड़ा है यार ये भी, कसम से बहुत तगड़ा है। अरे यार कार वाले भैया, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं भाई, आज कोइंसिडेंट हो गया। भाई साहब आज तो खतरनाक ही रिएक्शन मिल गया भाई। अरे यार अच्छा खासा रास्ता खाली पड़ा था, बस कहाँ से आ गई। क्यों क्या हुआ? अबे यार भाई साहब, पूरी बस का ध्यान खींच लिया मैंने।
भाई साहब बच्चे बस के बाहर ही कूद गए भाई एंकर। भाई साहब एरो में दम है भाई, मानना पड़ेगा। आंटी जी आंटी जी, ये रहा बैंटेन। भाई साहब मुझे लग रहा है ये मेरे साथ रहते के पागल हो चुकी है, ऐसे दौरे मेरे को पढ़ते थे, पता नहीं इसको कहाँ से पढ़ने लग गए। बाकी आज कॉलेज में तगड़ा रिएक्शन लेंगे अपने दोस्तों का, क्योंकि इसमें लग चुका है नया एग्जॉस्ट। भाई साहब तुम क्रैकल सुन रहे हो, उसके क्रैकल। भाई साहब अभी तो मैंने गाड़ी भगाई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ, तब ऐसा हाल है। ठोक दो भैया को, कैसे हो? बढ़िया। ये हवे मॉडर्न तो नहीं थी? सोच लो फिर गाना बजेगा। पंछी बनो छोटा यार। चलो आज पार्किंग खाली मिल गई हमको, बाकी अभी तो रिएक्शन नहीं मिले क्योंकि सुबह का टाइम है, इतने लोग ही नहीं थे, रिएक्शन कहाँ से मिलेंगे। अभी देखना जैसे ही मैं गाड़ी बंद करूंगा ना, कैसी बिल्कुल एकदम शांति सी छा जाएगी भयंकर इस जगह पे। ये देखो भयंकर, बिल्कुल एकदम ऐसा होता ना सन्नाटा जैसी गाड़ी बंद करो। चलो भाई 11:30 की क्लास है ना, दो क्लासेस अभी टाइम हो रहा है, 11:18 और दही भल्ले भी लेके आई है ना तू, दही भल्ले लेके आई है ना तू। चलो भैया आज दही बल्ले खाएंगे हम क्लास में, तुमको भी दिखाएंगे। बाकी एक बार मैं तुम्हें एग्जॉस्ट तो दिखा दूँ यार, अभी तक ढंग से दिखाया ही नहीं। ये देखो नकलची बंदर कैसे बैठ रही है, सुबह गई नहीं तो क्या शी। चलो भाई क्लास में चलो। तो भाई देखो छोटा सा ब्रेक होना चाहिए और इन लोगों का शुरू हो जाता है यहाँ पे खाना पीना। मैं इनका क्या वाली औरत आज इधर का एग्जॉस्ट दिखाता हूँ यार, चलो देखते हो तो तभी पता चलेगा हल्का है या लाउड है। मेंढक क्या खोली औरत। ये देखो यहाँ पे ये खाने में व्यस्त है, इसका मूड खराब हो गया। पता है क्या हुआ हमारे साथ, एक चीज़ हुई अभी, इसने ना टीवी की वो टिकट्स बुक करी थी बुक माई शो की और इसके पैसे भी चले गए। अब वो लोग बोल रहे हैं कि 5 से 7 दिन में रिफंड आएगा और इसको और पैसे नहीं है बुक कराने के लिए। मेरे से ले ले, मैं दे दूँगा अभी थोड़ी दूंगा, चल ले ले यार अभी दे दूँगा, मूड सही कर लिया। चल मैं अभी चल रहा हूँ अभी। तू झूठी मैं मक्कार, चल चल रही है सही में 3:30 आज गौरव सरीखास के बाद ही पहले बंग शाबाश बेटा। ये देखो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा कैंपस है और यार ये तो जूम हो गया, मैं खड़ा हुआ अभी कौन से फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लास। आए हाय बाकी अभी ये लोग जा रहे हैं, इनको हम दिखाएंगे अपना एग्जॉस्ट और एक बार व्यू देखो यार चारों तरफ, इसी का पैसा है यहाँ पे जो है। चलो भाई चलो भाई, पता है हमारे पास हमारे साथ आज बीटी क्या हुआ, अमन तू बता क्या हुआ था हमारे साथ।
बता तो सही बता तो सही आ गई अमन डॉगी ऐसी आ गई अमन डॉगी ऐसी आ गई बता दो हमारे साथ क्या हुआ बता दो हमारे साथ क्या हुआ आज ये हुआ कि बस एक ही क्लास हुई है और अब 3:30 बजे क्लास है डायरेक्ट और इतने अच्छे हैं मैंने कि हम इतनी देर तक रुक जाए अब कौन 3 घंटे क्या करेंगे बताओ सीरियसली कैंपस तो अच्छा है बट इतना बड़ा नहीं है कि 3 घंटे टाइम पास करा जाए हाँ भाई डी आई टी में तो घूमते जाओ घूमते जाओ नहीं यार इतना गाड़ी में आए उधर चलो भाई इनको दिखाते हैं इनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं आज तेरी हंसी कैप्चर हो गई अमन राव की हंसी पूरी नहीं अब कैसे अपने किस बात का खतरा भाई मैं कहता हूँ बम फोड़ रहा हूँ अबे बहुत ऐसे बन के रहना पड़ता है कि कब शाम का क्या हो रहा है अच्छा मतलब वैसे तो अच्छी नहीं दिखती है ना बन के आई मीन कि मैं जैसी हूँ वैसी नहीं दिखा सकती कोठी बंगले वाली है मतलब ऐसा दिखाना होता है ना वैसे भी ये कोठी बंगले वाले लोग हैं गाइस हम तो गरीब लोग हैं बिल्कुल तुम ही तो गरीब हो तुम्हारे जैसा गरीब ऊपर वाला सब कुछ बना है तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में आओ जल्दी भाग के आओ इनकी पिंकी पोंकी तुम सारे के सारे डोंकी ये भाई गाइस न्यू एग्जॉस्ट एरो करो नहीं आएगी इतनी दवाइयां बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई दीवार में चिपक गई इसके तो आंसू निकल गए भाई आंसू निकल गए पैकर ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह भाई साहब इधर रो गई भाई साहब इस बार तो आंसू निकल गए अब पता है मैंने भी सिर्फ इतना सा आरपीएम करा भाई बहुत तेज है इसकी अरे पता ही क्या यहाँ पे ना पार्किंग गूंजती आवाज गूंजती है यहाँ पे आवाज चलो भाई एक बार और लेते हैं इनका रिएक्शन अमन राव अमन राव ना ना आगे नहीं भागेगी बैंकर हैं भाई साहब खतरनाक मजेदार रुक 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 चले गए तुम भी चलो तुम लोग नहीं चल रहे घर तुम लोग घर नहीं चल रहे चलो फिर साथ में चलते हैं बाय बाय गाइस बाय बाय आज मैं फिर से एक और बात बोलूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ कि इस गाड़ी को कहीं पे भी ले जाओ बट कॉलेज ले जाने का अपना अलग फ़न है बहुत कैड़ा बहुत तगड़ा मज़ा आता है कभी ट्राई करना अगर तुम ऐसा हो सकता है ना कि अगर तुम इसे लेके कॉलेज जा सकते हो चाहे अपने छोटे भाई बहन के तो एक बार ट्राई करना भाई सीरियसली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आता जितना मज़ा इसको कॉलेज में ले जाने में आता है और अगर कॉलेज अपना हो तुम उस कॉलेज में पढ़ रहे हो
तब तो भाई मजे की बात ही अलग है, मजा इन 200। क्यों बंद होने वाला है भाई, मेरी गाड़ी की आवाज ऐसी है, मैं क्या करूं। जी पार्किंग में कौन सी वाली है, इस वाली में? हाँ जी, गस वाली पार्किंग में जी। यहाँ थोड़ी आपकी गाड़ी खड़ी होती है, मैं वाली पार्किंग में पार्क करूंगा ना तो एक गर्म रहेगी, ओवरहीट की प्रॉब्लम होती है इसमें। हाँ तो वहाँ पे मुझे इसलिए अच्छा यहाँ पे चलो भाई देखते हैं क्या होगा। चलो भाई देखते हैं क्या होता है, जो होता है तुमको बताते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर को। क्या पता नहीं बोल रहे हैं, उनको लगा होगा मैं तेज ले गया गाड़ी। तो तू यहाँ क्यों कर रहा है, जा नहीं रहा? बोल रहे ना रुकने के लिए है? रुकने के लिए बोल रहे ना। क्यों पता नहीं, देखते हैं। चलो भाई देखते हैं जो भी सीन होता है तुमको बताते हैं, उतर। चलो भाई हम लोग आ चुके हैं अपना ऑफिस से होके, अभी बताता हूँ बाहर जाके क्या सीन हुआ है। कुछ ऐसा सीरियस बात नहीं है बट स्टिल आप लोगों से शेयर करनी बनती है, अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। चलो बाय बाय बाय। चलो गाइस निकल रहे हैं अभी कॉलेज से बाहर, अभी बताता हूँ बाहर चल के कि क्या सीन हुआ है। चलो भाई अब बताता हूँ तुम्हें सीन क्या हुआ। तो सीन ये हुआ कि वहाँ पे कोई सर बैठे थे, आई डोंट नो मैनेजमेंट के सर थे कोई, अब सर का मैं नाम लूँगा ना, मेरे को नाम पता है जो मैं नाम लूँ, बट सीन ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि पहले तो वो बोल रहे थे कि स्पीड तेज़ है, मतलब सर ने नहीं बोला, गार्ड अंकल ने बोला कि तुम्हारी स्पीड तेज़ थी। उनको लगा होगा मे बी आवाज़ है बट स्पीड तेज़ नहीं थी उसकी, तो अगर मेरे को बोलते तो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी मैं दिखा देता। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई ना, जब गाड़ी का भी कोल्ड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम उनको लगी होगी आवाज़ तेज़ की, भाई इसकी आवाज़ तेज़ है, तो उस चक्कर से उन्होंने बुलाया था। बाकी एक गलती मेरी ये थी कि मैंने गाड़ी लगाई थी गर्ल्स पार्किंग में, और यहाँ पे मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सेफ रहती है और गाड़ी का टेम्परेचर आपको पता है कितना ज़्यादा रहता है, तो उस चक्कर से मैंने वहाँ लगाई थी। बाकी और कोई ऐसा सीन नहीं है, बस नेक्स्ट टाइम जब एंट्री होंगी तब ये लोग शायद थोड़ी दिक्कत करेंगे, और भाई सीरियसली अगर दिक्कत करी है ना बस क्या बताओ। बाकी आज इसका कोल्ड स्टार्ट में हल्ला था ना थोड़ा सा ज़्यादा, और मैंने स्टार्ट करते साथ एकदम थोड़ा सा रैप हो गया था इसलिए हुआ होगा दिक्कत, वरना तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है देखो कॉलेज में, बट जो दिक्कतें आती है वो ज़रूर बताएंगे एक दिन। फिलहाल तो बस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। भाई साहब उसकी स्टॉक एग्जॉस्ट था जी 900 में। भाई साहब जब दो बाइकर मिल जाते हैं ना रोड पे बैंकर, वो भी सेम बाइक, अलग ही सीन हो जाता है। इधर भी देख ले, मरना है क्या, मरना है तेरे को, डर नहीं लगता? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चुप, बिल्कुल चुप। आ भाई। So boys and girls, अभी हमने सिद्धि को भी छोड़ दिया है घर। बाकी यार अभी जो अपने आपने जो रास्ते में देखा होगा छोटा सा इंसिडेंट, बेवकूफ आदमी एक पी के मतलब सामने आ गया ऐसे अब्यूजिंग कर रहा है, तो उस टाइम मैंने सोचा कि जाऊंगा वापस, बट यार एक सोचने वाली बात है, कोई तुक नहीं बनता कि मैं किसी ऐसे नशेड़ी के पास वापस जाके लड़ने के लिए जाऊँ स्पेशली, बिल्कुल भी, मतलब एक अच्छे करके इंसान को कभी भी ये चीज़ शोभा नहीं देती, और अगर वो इंसान ही ऐसा कर रहा है तो भाई आई डोंट थिंक वो अच्छे घर का, इसलिए भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ वापस। और वीडियो तो देखो मैं डालूंगा, आप क्या कर सकते हैं। बाकी बस इस वीडियो के थ्रू तुमको मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ना भाई, तो वहाँ से निकल जाओ, रुक के देखो कुछ फ़ायदा नहीं है, बात बात बढ़ेगी।
अभी चाहता ना मैं तो मेरे पास पता नहीं कितना कंटेंट बन जाता है इस लड़ाई से, बट ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए यार। मेरे पास खुद का ना बहुत कंटेंट है, मेरे पास हजारों वीडियोज है और इतनी ऐसी ऐसी वीडियोज जिनको मुझे पता है हाँ मिलियन में जा सकती है, तो ऐसा कंटेंट से मेरा कोई फायदा नहीं है यार। इसलिए मैं निकला वहाँ से और तुम लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो यार वहाँ से निकल लो, सीन क्रिएट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। बाकी जो उसकी चीज़ थी, दारू पी रखी है भाई, तूने दारू पी रखी, तू घर पे बैठ गवार इंसान, बट जो भी है भाई, मैं पता है कभी ना किसी की क्लास पैसे से या किसी और चीज़ से नहीं डिफाइन करता, बट उसकी क्लास वहीं डिफाइन हो गई कि रोड पे दारू पी के लोगों को गाली क्लोज कर रहा है, तो भाई क्लास तेरी सीधा यहाँ से ली गई। अगर मैं बता रहा हूँ मेरी जेब में पैसा नहीं है ना, मेरे पास जीरो मनी है और मैं लोगों से तमीज़ से पेश आ रहा हूँ, मेरे पास मेरे अंदर रिस्पेक्ट है लोगों के लिए, तो भाई सीरियसली मेरे स्टैंडर्ड सब बहुत हाई है। और किसी की जेब में अगर बहुत सारा पैसा भी ना, फॉर एग्जांपल वो भाई की जेब में अगर पूरा जेब भर रखी हो पैसों से और उसके बाद उसकी हरकत है, तो भाई मैं यही बोलूंगा कि वो टुच्ची क्लास का है, टुच्चे खानदान का है, यही बोलूंगा। बाकी छोड़ो यार ऐसे लोगों की वजह से अपना मूड नहीं खराब करने का। नहीं बेटा आगे अब हम फटाफट घर चलते हैं यार, बहुत तगड़ी वाली गर्मी लग रही है, सीधा तुम लोगों को घर पे मिलते हैं फटाफट से। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर। हाँ मेरी बुलेट धुली धुली लग रही है। और यार आज की वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक्स हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं बोली है यार, देखो 2000 लाइक्स तो कर ही देना। बाकी यार गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी वाली, अंदर जाते हैं खाना पीना खाते हैं। और आज की वीडियो में यार बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो के लास्ट में एक और मैसेज, ऐसी जगह अगर तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट होता है मत रुकना, बहुत गलत बात है, इसलिए मैं भी नहीं रुका, मैं भी निकल लिया। बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना तुम लोगों को एग्जॉस्ट कैसा लगा और आज की राइड कैसी लगी, रिएक्शन कैसे लगे। बाकी यार हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी किसी तगड़े से मोटो व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू गुलाम। कैसे हो धनंजय भाई? एकदम बढ़िया। बाकी अभी निकल गए हम धनंजय भाई के घर से। बाय बाय बाय। भयंकर बाय।